ऑपरेशन कावेरी में राजनीतिक अशांति और हिंसा के जवाब में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिससे कई भारतीय फंसे हुए थे और इवैक्यूएशन की जरूरत थी। ऑपरेशन में हवाई और समुद्री परिवहन सहित परिवहन के कई तरीकों का उपयोग शामिल था। भारतीय वायुसेना ने सूडान से जेद्दा, सऊदी अरब में फंसे नागरिकों को उड़ाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का इस्तेमाल किया। वहां से उन्हें व्यावसायिक उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। सूडान के बंदरगाह पर फंसे नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना का INS सुमेधा भी ऑपरेशन में शामिल था। इवैक्यूएशन का प्रयास कई चरणों में किया गया था, जिसमें 278 भारतीयों के पहले बैच को जेद्दा से निकाला गया था। कुल मिलाकर भारत सरकार ने सूडान से लगभग 3000 भारतीय नागरिकों को निकाला। भारत सरकार ने इवैक्यूएशन अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम किया। सऊदी अरब ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान की और भारतीय विमानों को इवैक्यूएशन के प्रयास के लिए मंच के रूप में अपने हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति दी। भारत सरकार ने ऑपरेशन की सफलता के लिए अपने सैन्य और राजनयिक कर्मियों के प्रयासों के साथ साथ सऊदी सरकार के समर्थन की प्रशंसा की। ऑपरेशन का नाम भारत में एक नदी के नाम पर ऑपरेशन कावेरी रखा गया था। भारत सरकार की नदियों के नाम पर इस तरह के मिशन का नामकरण करने की परंपरा के अनुरूप भारत ने अतीत में कई बचाव मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिन पर हमें गर्व हो सकता है। 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट, 2006 ऑपरेशन सुकून, 2011 ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, 2015 ऑपरेशन मैत्री, 2015 ऑपरेशन राहत, 2016 इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स, 2020 ऑपरेशन समुद्रा सेतु, 2022 ऑपरेशन गंगा।